An ashram for old ladies. Old ladies, our age. बताइए आप जरा कुछ. आप यहाँ रहती है ना, तो आप जानती होंगी ज्यादा. बताइए कि मतलब मैं ऐसा कुछ वो लोग के लिए देने को आई हूँ. अच्छा. अभी चावल लेकर आई हूँ. अच्छा. आप उन लोग पहले लो मैं कहाँ था? हाँ, 15 दिन पहले केक और लड्डू लेकर आई थी. अच्छा. हेल्प. तो मतलब आप लोग हेल्प करते रहते हैं सब? हाँ. कोई ना कोई यहाँ पर हेल्प करते हैं. आप यहाँ जी हम लोग 24 घंटे. हाँ, 24 आवर्स. अब सर्वे करते हैं. मैं एक रिसर्च कर रही हूँ. रिसर्च कर रहे हैं तो मैं थोड़ी मैं भी हेल्प भी कर देती हूँ. मेरा भी यही काम है कि मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे ना, नॉट ऑन मंथली बेसिस कि मैं इतना दे रही हूँ या था. जैसे आप आए हो ना कैजुअली, कभी क्या ले आए, कभी क्या दे दिया, कभी किसी को. तो मुझे भी किसी ने बताया कि यहाँ पर इस तरह का है कुछ, तो मैं देखने आ गई थी कि भाई क्या हम बच्चों का भी है. कनकी के उधर है बच्चों का स्कूल. अच्छा. हाँ, उधर भी अनाथ है सब. अच्छा. लेकिन उनको तो बाहर से मिलता है, बाहर उधर से सब सामान वामान मिलता है. बहुत अच्छा मिलता है स्कूल को. स्कूल ही है, अच्छा बड़ा स्कूल है. स्कूल में जाते हैं बच्चे, गरीब बच्चे. आप लोग खुश हो यहाँ पर? खुश हो? मस्त हो? मस्त छान है? मस्त है तुम्हें दिख रहे? बढ़िया हो? सगड़ा पीना डॉक्टर तो ये और हम लोगों ने मैक्सी भी लिया. सब कितने औरतें हैं तो हमारा नवरात्रि का प्रोग्राम रहता है ना, उसमें पैसा जमता है ना, तो वो पैसे से सब हम लोगों ने मैक्सी दिया सोसाइटी के मेंबर में. अच्छा. ये तो अच्छा कंट्रीब्यूशन है मतलब. हाँ. ये खुश भी दिखाई दे रहे हैं सब ना, एकदम सब लोग खुश है. तो हर कमरे में कितने कितने लोग रह लेते हैं? नीचे में मतलब सबसे नीचे है मतलब 5 लोग हैं. ऊपर में यहाँ 3 लोग हैं और इससे ऊपर में 2 लोग हैं और बाजू में ऑफिस है मैडम. बेसिकली किसका है ये आश्रम? ये मतलब तला चर्च है. किसने किसका है ये सब बोलने के लिए? एकता कपूर की मम्मी का है. अच्छा. एकता कपूर की मम्मी? एकता कपूर की मम्मी का है. शोभा कपूर. शोभा कपूर करती है ना एकता कपूर, उनका मम्मी का है. अच्छा. एक्टर जितेंद्र है. हाँ. उनका है? उनकी वाइफ. उनकी वाइफ का है? अच्छा. जितेंद्र का है. अच्छा. तब तो मजेदार हो गई होगा. है भी देखते होंगे ना. अच्छा. ये बात है, मुझे नहीं पता था. वही हम लोग इतने साल रहे, हम लोग को मालूम नहीं था एकता कपूर का है. फिर मेरे सोसाइटी में एक रहती है ना, वो लेकर आई मुझे. अच्छा. तो मुझे भी अच्छा लगा, फिर मैं भी मदद कर ली रहती हूँ. तो बेसिकली मेनली तो वही लोग करते हैं, बाकी लोग जो भी चाहे वो दे सकते. चाहे देते हैं, बाकी वो हम लोग मतलब कैश वैश नहीं लेते. कैश नहीं. हाँ, जो मतलब खाने पीने का ऐसा कुछ मतलब स्ट्रिक्टली कोई दान दान बात वो खुद ही करते हैं सब कुछ. ये तो पेमेंट भी वही करते होंगे ना. वही करते होगा ना. 2 लड़के हैं, 1 औरत है, खाना बनाने को आती है, वो भी एक आती है, सुबह शाम आती है. अच्छा. तो वो सब वही करते होंगे. वो मिलने आते हैं कभी? क्या मन उनको?
सेक्रेटरी उनका सब हिसाब किताब करते हो गए। वो लोग रहते कहाँ हैं वैसे? जू में ही रहते होंगे। जू में रहते होंगे। ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा देख कर। हाँ। और कुछ बताना चाहेंगी आप? बस यही कि लोगों को क्या, और जैसे आप अच्छा काम करती हैं, आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगी, मैसेज देना चाहेंगी? बस वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग को भी एक दिन हुआ कि चलो लागे देंगे अपन, सीमेंट चावल लेकर आई हमने, कपड़ा दिया हम लोगों ने, मैक्सी दिया था बीच में। जितना अपने से हो सकता है उतना करेंगे। थैंक यू।